नमस्कार, रेडियो मई 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। मुनाफे में रिलायंस को किसने पछाड़ा, बीएसएनएल को क्यों मिला कारण बताओ नोटिस, और टेस्ला ने किसे बनाया सीएफओ बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। जून तिमाही में एसबीआई को 18,537 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, वहीं रिलायंस को जून तिमाही में 16,011 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया के बोर्ड ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को प्रिफ्रेंशियल आधार पर शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे सुजुकी मोटर गुजरात यानी एसएमजी के 100% हिस्से के अधिग्रहण का रास्ता बनेगा। इस अधिग्रहण के बाद सुजुकी मोटर गुजरात मारुति सुजुकी के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। इससे मारुति सुजुकी में जापानी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स का हिस्सा 56.48% से बढ़कर 58.28% हो जाएगा। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मेघालय में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी राज्य सरकार की मेघा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के साथ ही आयुष्मान भारत योजना फेज 6 को भी क्रियान्वित करेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। टेली कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन रेगुलेशन 2018 का अनुपालन नहीं करने की वजह से बीएसएनएल को ये नोटिस जारी किया गया है। एलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नया सीएफओ बनाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तनेजा टेस्ला से पहले करीब 17 साल तक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में काम कर चुके हैं। फिनटेक कंपनी पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक के घाटे में गिरावट देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान कंपनी का घाटा 94% कम होकर सिर्फ 12 करोड़ रुपए बचा है। जापानी इन्वेस्टमेंट फंड सॉफ्टबैंक को 3.3 अरब डॉलर का भारी घाटा हुआ है। इसके बावजूद इसकी निवेश शाखा विजन फंड को दुनिया की कई कंपनियों में निवेश पर जून तिमाही में 1.1 अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। हाल ही में फंड के प्रबंधन ने कहा है कि वे निवेश और मोनेटाइजेशन के लिए ज्यादा सक्रिय रणनीति अपनाएंगे। पिछले 15 महीने में सॉफ्टबैंक ने भारत में 1 डॉलर का भी निवेश नहीं किया है। राकेश झुंझुनवाला की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस की बैंकिंग वाली कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। 8 अगस्त को अंतिम दिन ये करीब 24.80 गुना सब्सक्राइब हुआ। हालांकि रिटेल यानी छोटे निवेशकों का हिस्सा 3.66 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1,551 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ग्लेंड फार्मा के शेयर में मंगलवार को 20% का अपर सर्किट लगा। अमेरिका में प्राइसिंग एनवायरमेंट में सुधार की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त हुई है। मंगलवार सुबह तेजी के साथ खुलने के बाद इसका शेयर 1612.60 रुपए पर पहुंच गया, जिसके बाद इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA की सब्सिडरी INQ होल्डिंग ने अदानी ग्रीन एनर्जी में 3,920 करोड़ रुपए में 2.7% हिस्सेदारी खरीदी है। इस खबर के आने के बाद अदानी ग्रीन के शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान करीब 5.25% तक उछलकर 1,015 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये 2.25% की तेजी के साथ 985.95 रुपए पर बंद हुए। इंडियन बैंक के शेयर में मंगलवार को 18% तक का उछाल देखा गया। कारोबार के दौरान ये बढ़ते हुए 408 रुपए तक पहुंचा। जून तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट करीब 41% बढ़कर 1,709 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कारोबार के दौरान ये करीब 14% की तेजी के साथ 394.70 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी नामा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसे लिखा है दिनेश अग्रहरी ने, मैं हूं अमन गुप्ता। बिजनेस फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।